लगता है मन ये सोचने जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी मुस्कुराए ही थे चुप हो गए जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी हो कर मैं ना हूं कैसे कहूं किससे तेरे बाबूजी गिरिधर मंदिर गए हैं पट पूजा के लिए और ये झोला यहीं छोड़ गए जाके दिया बेटा। हाँ। किस धुन में खोई हुई हो बेटा? तुम्हें समाज के नियमों का तनिक भी ध्यान नहीं रहा? ये माँ कहती है शादी के बाद लड़की दूसरे घर में जाती है पर आप नहीं गए इसलिए रो रहे हो ना। आनंद, तुम्हारी दीदी इसीलिए रो रही। आज तुमने अपनी सीमा लांघ ली। तुम्हें ध्यान नहीं रहा और तुम मंदिर के अंदर तक प्रवेश कर गई। मैंने सदैव यही प्रयत्न किया है कि तुम में और विशाखा में कोई भेद न समझो, परंतु जब मंदिर में प्रवेश की बात आती है तो मैं दुर्बल पड़ जाता हूं। समाज में रहते हुए हमें समाज के नियमों से बंधा पड़ता है। स्वयं भगवान श्री राम इन नियमों को कभी नहीं तोड़ पाए। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी। से अनजाने में ये भूल हो गई और आप जो प्रायश्चित करने को कहेंगे मुझे स्वीकार है। बंद करिए नौटंकी जी। पिछली बार क्या भया याद नहीं तो को लल्ला को मंदिर से निकाल दिया जाता, हमारा हुक का पानी बंद कर दिया जाता, यही चाहत है ना तू? बस करो अम्मा, राधिका को अपनी भूल का एहसास है। उसके अश्रु इसी बात का प्रतीक है कि उसे स्वयं कितना दुख पहुंचा। ये भली कही, पहले पाप करो फिर भगवान के सामने चार आंसू बहा दो। रो रो के क्या जताना चाह रही है ये चोरी? दीदी इसलिए रो रही है क्योंकि शादी के बाद भी इधर ही है। क्या बकबक कर रहा है? जा 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 अपने घर जा, तेरी माँ ढूंढ रही थी तुझे। सची तो कह रहा है नंदू अम्मा, राधिका विशाखा को बहुत स्मरण कर रही। विवाह के पश्चात विशाखा तो अपने घर चली गई। राधिका को रह रहकर विशाखा की बहुत याद आती है। पर शादी तो के पश्चात विशाखा तो अपने घर चली गई। राधिका को रह रहकर विशाखा की बहुत याद आती है। पर शादी तो तू जा यहां से, जा अपनी दीदी को परेशान मत कर, जा। नहीं मैं राधिका दीदी के साथ ही रहूंगा। जा नंदू, मुझे भी बहुत काम है। बेटा, विवाह के पश्चात
हर बेटी को पराए घर जाना ही होता है, यही सदियों की रीत है। यदि तुम सुध-बुध खोकर सदैव विशाखा को याद करती रहोगी तो विशाखा भी अपने नए घर में बेचैन रहेगी। समझ रही हो ना बेटा? नंदू को समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर नंदू के मुंह खोलने से समाज में हमारी नाक कटी तो सोच लेना। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगी। छोटी बहू हूँ मैं इस घर की, मुझे मना करने की कौन हिम्मत करेगा? मना कोई नहीं करेगा क्यूटी, लेकिन उनसे अपनी बात मनवाने के लिए मनीष तो दिखाना पड़ेगा ना। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? नहीं नहीं पूरब, अभी तो थोड़ा मुश्किल होगा, हर रोज एक नई पूजा एक नई रस्म। सिर दर्द हो गया मेरा, और आज भी सुबह सुबह जल्दी उठने के लिए कहा गया। ये रोज रस्म वस्म ही हो रही है या कुछ खाने वाने भी मिल रहे? सब कुछ हो रहा है। ग्रेट्स, ग्रेट्स। अब तुम देखती जाओ मैं कैसे संजय जी से जाकर उनके ऑफिस में खुद मिलता हूँ। भंसाली। Exactly. भाई उन्हें भी तो पता लगे कि हमारे वृंदावन में एक ऐसी लड़की है जो ऐश्वर्या और रानी से कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। तुम्हारे हुस्न का बजेगा डंका, देखती रह जाएगी कटरीना प्रियंका। छोटी बहू सुनो, माँ जी हैं, लो हमें दो। जय हो माँ जी। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करें, धन्यवाद। के तो सारे फोन ही अजीब हैं। हाँ वो कुछ काम था भाभी? भाभी नहीं, जी जी बोलो। हाँ वही, जी जी। दादी माँ ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। लगता है फिर से गहने मिलने वाले हैं। ठीक है मैं तैयार हूँ, चलिए। अरे सुनो, तुम्हारी पायल कहाँ है? मैं भूल गई होगी शायद, यही है। तुम तो बहुत भूली हो, सुहाग की निशानी पहने बिना कोई कमरे से थोड़ा निकलता है। अरे अरे लाओ हम पहनाए देते हैं। वैसे रिश्ते में तो हम तुमसे बड़ी हैं, लेकिन एक तरीके से सोचा जाए तो बहन ही तो है ना। तुम तो बस ये समझ लो कि हमें सजाने धजाने में बड़ा मजा आता है। अरे ये क्या, तुम्हारी तो एड़ियां ही नहीं जोड़ी गई हैं। पर हमने तो देखा था मंडप में तो एड़ियां जोड़ी गई थी। आलता लगा था। वो छूट गया होगा। सारे पैर में रहा, एड़ियों का निकल गया। ये तो घोर अपशकुन है छोटी बहू, ये तो मेरी एड़ियों के पीछे हाथ धो के पड़ गई। ऐसी क्या आफत है? तुम क्या नाते वक्त झामा रगड़ती हो? नहीं, अरे
देर नहीं हो रही अब आपको, चलते हैं ना जल्दी से। हाँ हाँ चलो, तुम भी ना मेरी तरह हो, बातें बड़ी करती हो। अस्त्री जी, अस्त्री जी, अस्त्री जी। जी नमस्कार। अस्त्री जी, सिर्फ मंदिर की शुद्धिकरण करने से काम चलता है क्या? मैं पूछता हूँ, आखिर राधिका ने मंदिर में कदम रखा ही क्यों? शास्त्री जी, आपसे बड़ा धर्म कर्म करने वाला ज्ञानी ये पूरे वृंदावन में और कोई नहीं है। आप अपने घर में किसको पालते हैं, कैसे पालते हैं, ये सब आप निर्णय कर सकते हैं, लेकिन ये भगवान का घर है, यहाँ पर वही नियम चलेंगे जो कि शास्त्रों में लिखे हुए हैं। शास्त्रों का मुझे ज्ञान है मान्यवर, परंतु सत्य में मैं बहुत लज्जित हूं। राधिका की ओर से क्षमा याचना कर चुका। बहन की सुध-बुध में इतनी खो गई कि नियम भंग कर बैठी। दया करके उसे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने से वक्त का पहिया उल्टा नहीं चलेगा शास्त्री जी। बस इस बात का ध्यान रखिए, अगर दोबारा इस प्रकार की गलती हुई तो हमें आपके उत्तरदायित्व पर पुनः विचार करना पड़ेगा। चलिए पंडित जी। पानी लेकर क्यों आई है? जहर लेकर आ? बहुत मान बढ़ाया है हमारा। जिसे बहू जी कहती है उनको शर्मिंदा हुए देखकर जरा सा भी दुख हुआ हो ना तो जाकर डूब पड़ जमुना जी में। अब बस करो अम्मा, इस बात को यही छोड़ देना उचित है। मैं एक जजमान के यहां जा रहा हूं, तनिक देर हो जाएगी आने। चल रहा है तेरे मन में? जो नियम इतने साल में भंग नहीं हुआ वो आज टूटा कैसे? पुरोहित के बेटे के साथ फेरे लेकर खुद को पुरोहिताइन समझने लगी है का? खुद को उस घर की छोटी बहू मान बैठी है? पता है छोटी बहू, हमारे पड़ोस में एक नई बहू के हाथ में से मेहंदी 2 ही दिन में गायब हो गई थी। ये फिर शुरू हो गई। पर वो तो आटा मलने से छूटी थी, आलसा कैसे छूट सकता है? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? हाय हाय, तुम इतना भी नहीं जानती, आलते का बहुत महत्व होता है, ये तो सुहाग की निशानी होती है। पता है कुंवारी लड़कियां पैरों में सिर्फ आगे आलता लगाती हैं, मंडप में पहली बार एड़ियां जोड़ी जाती हैं। एक लड़की 2 परिवारों को जोड़ती है ना, इसलिए इसे एड़ी जोड़ने की रस्म कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा सुनो। हाँ। हम दादी माँ से पूछ कर आते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए। अरे आपको नहीं पता कि ऐसे में क्या करना चाहिए? मुझे तो लगा आप बड़ी समझदार हैं, दादी माँ से ज्यादा उपाय जानती होंगी। हाँ सो तो है, हमारी चचेरी मौसी ने हमें किताब दी थी, हम उसमें उपाय ढूंढ के आते हैं। हाँ बुत बनकर खड़ी है, पता करम चली तो उसे नियम टूटा कैसे? जाने दीजिए अम्मा जी। चुप कर बहुरिया,
टोरी और लल्ला की भूल की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। ना इस बात की गठरिया को उठाकर घर में लाते और ना ही घर की पवित्रता पर लोग उंगली उठाते। अम्मा जी, जो कुछ भी हुआ उनसे हुआ, अनजाने में हुआ। अरे ना, ये सब ईच छोरी की चाल रही, चाहत रही कि मंदिर में तमाशा होवे, ताकि वहाँ सभी का जात कुल परिवार के बारे में पूछे और ये सबको बता पाए कि मोरा ब्याह तो पुरोहित कुल में हुआ है, है ना? ब्याह की बात तोरे मन से जा नहीं रही ना? कोई होगी देव बाबू के ख्यालों में, तभी तो सुधबुद हो बैठी। देखो ये देख, देख ऐसे चुप खड़ी है, मन का चोर पकड़ा गयो है। अच्छा, वो दिन का छुआ हुआ अभी तक याद आ रहा है इस करमजली को? ठीक है, वो दिन की छुअन तन से जितनी जल्दी निकल जाए उतना अच्छा। सुन रही छोरी, आज रात को तू कुएं में से 100 घड़े पानी निकालेगी और 100 बार स्नान करेगी। ताकि देव बाबू का स्पर्श तुरे तन से निकल जाए और देव बाबू का ख्याल तुरे मन से। ये सब क्या है भाभी? भाभी, ओहो देवर जी, नजर उतार रहे हैं। शादी के एकदम बाद उतारी होती तो इतनी अशुभ बात नहीं होती। अशुभ बात? कैसी अशुभ बात दीपिका जी? जी, अब आपसे क्या छुपाएं? विशाखा के पैरों का आलता छूट गया, एड़ियां जुड़ी ही नहीं। इतना बड़ा अपशकुन भी, इन सब से मुझे क्या लेना देना? एक मिनट, एडिया जुड़ी नहीं मतलब? अरे जीजी, हम सबने देखा था ना, मंडप में विशाखा की एडिया जुड़ी गई थी, आलता लगा था, आज देखा तो आलता था ही नहीं। जैसे कभी आलता लगा ही नहीं था। अब आप ही बताओ भला, शादी क्या किसी और से हुई थी? अच्छा, हम इसे पिछवाड़े फेंक कर आते हैं। हाँ, शादी के वक्त क्या सच में किसी और के पैरों में आलता लगाया गया था? क्या मेरी शादी विशाखा के साथ नहीं हुई है? छोटी बहू, बैठो बैठो, कल की रस्म में तुम ये साड़ी पहनोगी। कल क्या है दादी माँ? यूं समझो कि कल तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम करना है। अच्छा,
एक जरूरी काम तो मुझे भी करना है। देखो ना छोटी हो, मजाक मजाक में तुम्हें मुंह दिखाई का तोहफा देना ही भूल गई, पर अब ले आई, ये देखो पाए। इसकी क्या जरूरत थी? कैसी लगी? अच्छी है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी है। तो चलो पहन के दिखाओ। नहीं नहीं मैं बाद में पहन लूंगी। अरे पहनो ना। अरे बहू पहन लो, तुम्हारी जेठानी इतने प्यार से लेकर आई है। हाँ। बेटा अगर भाभी कह रही है तो पहन भी लो आप। जी अरे तुम तो शर्मा रही है, लो मैं ही पहना देती हूँ। पैर दिखा। नहीं ठीक है। अरे पैर दिखा। लो तुम्हारे पति देव भी आ गए। अब इन्हीं के हाथों से पहनना, ये लो देख। अब तुम ही अपने हाथों से छोटी बहू को पायल पहनाओ। क्या बात है, तुम भी शर्मा रहे हो, छोटी बहू भी शर्मा रही है। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथों से ही पहना देती हूँ। ला पैर दी। नहीं नहीं ठीक है। अरे पैर दिखाओ ना। अरे पहन भी लो। हाँ।